हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक शर्मा और आप देख रहे हैं टेक प्रतीक यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताज़ा ताज़ा टेक न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे पहले टेक न्यूज़ है ओप्पो रेनो एस इन्फिनिटी की। खबर आ रही है इस फ़ोन में होगी वूक एयर टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ये फ़ोन हवा से चार्ज होगा। अपनी अगली खबर के बारे में बात करते हैं जो कि आ रही है एप्पल की तरफ से। जी हाँ, एप्पल आईफोन 9 और आई कैन से एप्पल आईफोन SE 2 जो कि होना था 31 मार्च को लॉन्च, वो अब होगा 15 अप्रैल को लॉन्च और उसकी सेल 22 तारीख को होगी। जी हाँ, 22 अप्रैल को। तो नोकिया के फ़ोन की, जी हाँ, नोकिया काम कर रहा है अपने नए फीचर फ़ोन पे। जी हाँ, ये एक फ़ीचर फ़ोन होने वाला है, ना कि स्मार्टफोन। अगली बड़ी खबर आ रही है सभी मोबाइल फ़ोन पर GST रेट को बढ़ाकर 12% से 18% कर दिया गया है। तो जब भी अब आप नया फ़ोन लेंगे तो आपको 6% के हिसाब से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जी हाँ, सभी फ़ोन 6% के हिसाब से महंगे हो चुके हैं। किसी पे 500 बढ़े, किसी पे 1000, तो किसी पे 2000। जैसा फ़ोन उसके हिसाब से उसके दाम 6% पड़ चुके हैं। अगली खबर आ रही है सैमसंग की तरफ से। जी हाँ, सैमसंग ने अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर वारंटी बढ़ा दी है। जी हाँ, चाहे वो TV हो, फ्रिज हो या कोई भी हो, जिनकी भी वारंटी इस बीच ख़त्म हो रही थी उसकी वारंटी को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बहुत ही खुशी की बात। तो अगली खबर आ रही है OnePlus 8 सीरीज़ की तरफ से। जी हाँ, OnePlus 8 सीरीज़ जिसमें कि OnePlus 8 एंड OnePlus 8 प्रो दोनों ही फ़ोन 15 अप्रैल को लॉन्च होने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं, इनके साथ में दो और प्रोडक्ट लॉन्च होंगे जिसमें से एक प्रोडक्ट है इनका वायरलेस चार्जर। जी हाँ, OnePlus का वार्प चार्जर 30 वॉट के वायरलेस चार्जिंग के साथ में। अगला प्रोडक्ट है OnePlus का TWS, जी हाँ, ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स, ये भी 15 अप्रैल को लॉन्च होने वाले हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है COVID-19 की तरफ से। अब ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा थर्मल स्कैनिंग करने के लिए। जी हाँ, अब आसमान में ड्रोन्स छोड़े जाएंगे जो कि ट्रैक करेंगे और थर्मल स्कैनिंग करके बताएंगे कि किस आदमी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो इससे पता लग पाएगा और कोरोना वायरस की जांच आसान हो पाएगी। और ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी इस पे काम कर रही है, वो ड्रोन्स में कुछ बदलाव करके उसमें थर्मल स्कैनर वगैरह इंस्टॉल करेगी। अब देखते हैं ये कब तक हो पाता है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अगला अपडेट निकल कर आ रहा है एक फोल्डिंग डिवाइस के पेटेंट का। जी हाँ, इसमें आपको मल्टीपल स्क्रीन देखने को मिल सकते हैं। ये मे बी एक मोबाइल हो सकता है जो कि मल्टीपल स्क्रीन के साथ। तो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।